मेरी शादी वाले दिन मेरा चौदह साल का देवर बहुत खुश था मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी मां कहकर पुकारता था पति के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था देवर मुझसे काफी छोटा था वो चौदह साल की उम्र में भी 25 साल का जवान लड़का लगता था पति के मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूं आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था लेकिन वह हाथ लगाते ही मेरी आंखें फटी के फांटी रह गई क्योंकि मेरा देवर का सात इंच मेरे हाथ लग लगी गलती से दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो काली मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों मेरी शादी के दिन आरोप बेहद खुश था उसे हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह समझा था और वह भी मुझे प्यार से भाभी मां कहकर पुकारता था उसके मासूम चेहरे और नटखट हंसी में ऐसी खुशी थी कि जैसे उसे सच में एक नई मां मिल गई हो लेकिन इस खुशी भरे दिन के कुछ ही समय बाद मेरे जीवन में दुख का अंधेरा छा गया मेरे पति का अचानक निधन हो गया और उनके जाने के बाद घर में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई आरो ही मेरा सहारा था लेकिन फिर भी मुझे रात को अकेले सोने से डर लगता था ठंडी सर्दियों की रातें लंबी लगती और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती कुछ रातों से मैंने उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया था ताकि इस अकेलेपन और डर से थोड़ी राहत मिल सके आरो की उम्र भले ही चौदह साल थी पर उसकी कदकाठी और समझदार स्वभाव उसे उससे कहीं बड़ा दिखाते थे पति के जाने के बाद जैसे तैसे मैं इस दुख से जूझती रही लेकिन मन की उथल पुथल को दबाना आसान नहीं था उस रात भी मन में अजीब सी बेचैनी लिए मैं सोने की कोशिश कर रही थी आधी रात को अचानक जागकर मैंने आरो को देखा वह गहरी नींद में था मासूम और निश्चल उसे देखते ही मेरी आंखें भर आईं इस छोटे से बच्चे ने भी अपने भाई को खो दिया था और फिर भी वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा था मुझे अपनी मां की बात याद आई जो हमेशा कहती थीं कि बेटा देवर को हमेशा बेटे जैसा समझो लेकिन दूरी बनाए रखो वह बड़ा होगा तो तुम्हारे और उसके बीच की लाजिम सीमाएं और स्पष्ट हो जाएंगी मेरे मन में उन बातों का अर्थ अब और भी गहरा हो गया था मुझे आरओ का ध्यान रखना था उसकी मासूमियत का मान रखना था मां अक्सर समझाया करती थी कि बेटा देवर के साथ कुछ फासला बनाए रखो कोशिश करो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना ज़रूरत न आए तुम एक शादीशुदा लड़की हो तुम्हें अपनी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए मां की इन बातों को सुनते समय मुझे ऐसा लगता था कि वह आरो के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा सोच रही हैं और मैं उनकी बातों से नाराज हो जाती थी लेकिन अब जब पति को खोकर मैं बेसहारा हो गई थी मां की बातों का मतलब समझ में आने लगा था उस रात भी जब मैं अकेली बैठी थी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे मेरे दिल में दर्द की लहरें उठ रही थीं कि मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे आरो के सहारे छोड़कर चले जाएंगे रात के बारह बज चुके थे और आरो अभी तक घर नहीं लौटा था शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ था और मुझे यह सोचकर कुछ राहत मिली कि वह घर नहीं आया उसकी गैरमौजूदगी में मुझे एक तरह की राहत महसूस हुई उस वक्त मां की बातों का असर मेरे दिल में गहरा होता जा रहा था तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा डरते हुए मैंने सोचा कि कौन हो सकता है लेकिन बाहर से आरो की आवाज आई भाभी दरवाजा खोलिए मैं हूं उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और उस बड़े सुनसान से घर में सब कुछ जैसे वीरान सा लगने लगा आरो अंदर आया और मासूमियत से पूछने लगा भाभी आपने खाना खाया उसकी नजरें झुकी हुई थीं और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हमेशा से थी उस पल मैंने खुद को समझाया कि आरो एक मासूम बच्चा ही तो है उस अकेली रात में मुझे उसका साथ और उसकी चिंता ही मेरे लिए सहारा बन गई आरो के हाथ में एक थैली थी और उसमें होटल से लाए हुए चावल थे उसने एक प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए उसके चेहरे पर चिंता और मासूमियत की झलक साफ थी भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता लेकिन आपके लिए बाहर से लेकर आया हूं आप कुछ खा लीजिए वरना आप यूं ही भूखी रह जाएंगी उसने कहा उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था उसने मेरी तरफ देखा और रुंधी हुई आवाज में कहा मैं अपने भाई के बाद आपको नहीं खोना चाहता आरो की आंखों में भी आंसू थे वह मुझे मां जैसा मानता था और उसकी यह भावना मुझे भीतर तक छू गई लेकिन फिर भी मां की बातें मेरे दिल से निकल नहीं पा रही थीं उसने मेरे आंसू पहुंचते हुए कहा भाभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं आपका सहारा बनूंगा आप इस घर से कभी मत जाना उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया वह बड़े जज्बाती अंदाज में मुझसे बात कर रहा था और मेरी आंखों में उसकी इस मासूम चिंता ने एक नई उम्मीद की झलक दी फिर उसने कहा भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा तो छत के करीब है मुझे नहीं लगता कि आपको वहां रहना चाहिए अब सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो चुकी है और कोई भी गलत इरादे से हमारे घर आ सकता है उसकी इतनी समझदारी भरी बात सुनकर मैं हैरान रह गई सोचने लगी कि इतनी छोटी उम्र में उसे कैसे ये सब बातें सूझ रही हैं लेकिन फिर भी उसकी बातों में तर्क था और उसकी चिंता ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया मैं उसके कमरे में चली गई आरो का कमरा दूसरी ओर था जबकि मैं और मेरे पति हमेशा छत के पास वाले कमरे में रहते थे कमरे में कदम रखते ही सब कुछ अजीब सा लगने लगा आज पहली बार मैं अपने कमरे से बाहर किसी और कमरे में थी लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और नजरें उठाई वहां एक चीज थी जिसने मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरो की उम्र चौदह साल थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो किया था वह एक छोटे बच्चे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े और समझदार आदमी के जैसा था उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मुझे उसकी मासूमियत और समझदारी पर हैरानी हो रही थी वह बच्चा जो आमतौर पर मेरी नज़र में छोटा सा दिखता था अब मुझे एक परिपक्व और सोच समझकर बोलने वाला लग रहा था आरो के कमरे में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ मैंने देखा जो कुछ मैंने छुपा रखा था वह वहां कैसे पहुंच गया मेरी सारी चीजें बेतरतीब सी पड़ी थीं और एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सब कुछ आरो ने किया है ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं सोचने लगी कि सुबह होते ही इसे इस बारे में सवाल करूंगी। फिर मेरी आंखों में नींद की झपकी आ गई और मुझे लग रहा था कि शायद चावल खाने के बाद मेरी नींद आ गई मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी की दो दिन से मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आरओ के लाए चावल खाकर मेरी आंखें भारी हो गईं। सोचा कहीं यह चावल खाने की वजह से तो नहीं था मगर बहुत जल्दी ही मेरी आंखें बंद हो गईं जैसे किसी को नींद का इंजेक्शन लग गया हो सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि दस बज चुके थे और मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई दो दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चुपके से नींद की कोई खुमारी चढ़ गई हो मेरा दिल बार बार यही सोच रहा था कि कहीं आरो के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई मैं यह सब सोच ही रही थी कि अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई सामने आरो किचन में चाय बना रहा था और उसकी मासूमियत में मुझे कुछ ऐसा था जो मुझे और भी हैरान कर रहा था आरो की चौदह साल की उम्र में जो कुछ मैंने सुना वह मुझे गहरे सदमे में डाल गया वह चाय मेरे सामने रखते हुए बोला भाभी आप सो गई थीं, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसकी बातों में एक मासूमियत थी लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई कुछ और ही था मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने फीकी आवाज में जवाब दिया हां आज मुझे बहुत नींद आई वह तुरंत बोल पड़ा तो क्यों नहीं आती भाभी मैंने आपको चावलों में नींद की गोली मिला दी थी मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती तो उसने कहा था इनको चावलों में नींद की गोलियां मिला दो इससे यह आराम से सो जाएंगी उसकी बातों ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया आरो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मैंने चिल्लाते हुए कहा तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया वह जल्दी से बोला नहीं भाभी मैं तो आपको बस अच्छी नींद देना चाहता था अब आप तो तरोताज़ा लग रही हैं ये लो चाय पिए उसने चाय मेरे सामने रखी और मैं उस पर शक करने लगी तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं मैंने उसे घूरते हुए पूछा वह कसम खाते हुए बोला भगवान की कसम भाभी मैंने तो आपकी नींद के लिए ही गोलियां मिलाई थीं आप कहें तो मैं यह चाय खुद पी लूंगा हम आधी आधी पी लेते हैं उसने चाय के गिलास से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया मुझे उसकी बातों पर यकीन हुआ और मैंने सोचा कि शायद वह सच बोल रहा है मैंने कहा ठीक है मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूं लेकिन फिर भी मैं उसके चेहरे को देखती और उसकी मासूमियत पर यकीन करने लगती लेकिन जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था वह मेरे दिल से नहीं निकल रहा था उस कमरे में जो था उसकी कोई माफी नहीं थी मैंने सोचा कि अब मैं उस पर क्या विश्वास कर सकती थी थोड़ी देर बाद आरो ने खुद ही मुंह खोल दिया और उसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूं उसने बड़ी संजीदगी से कहा मेरा एक जानने वाला और ईमानदार अंकल है वह हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे दिलवा देगा हम उन पैसों से एक नया घर खरीद लेंगे इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे मालिक परसों किराया लेने आएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं आरओ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई अभी तक मैंने ऐसी किसी बात के बारे में सोचा भी नहीं था लेकिन आरो ने जिस तरीके से यह ख्याल सामने रखा वह मुझे गहरे सोच में डाल गया समीर तुम्हें यह खयाल कैसे आया मैंने उसे चौंकते हुए पूछा वह बिना हिचकिचाए बोला भाभी मुझे आगे शादी भी करनी है हमें अपनी जिंदगी साथ बितानी है और एक नया घर चाहिए किराए के घरों में तो सिर्फ इंसान जलील और रुसवा होते हैं आरो की बातों में कुछ था जो मुझे सही लगा मैंने उस पर कोई बहस नहीं की लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं वह जेवर बेचकर पैसे न जुटा पाए तो हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे मेरी स्थिति इतनी नाजुक थी एक बेवा औरत और एक चौदह साल का देवर जो खुद भी ना समझ था इस हालत में हम दोनों किसी भी धोखे का शिकार हो सकते थे मैंने सोचा शायद मुझे इस बारे में किसी से मशविरा लेना चाहिए मैंने तय किया कि मैं मायके वालों से बात करूंगी शायद वे मेरी मदद कर सकें लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ वह जेवर जिनके बारे में मैंने समीर से कभी बात भी नहीं की वह उसके हाथ कैसे लगे ताले भी तो टूटे नहीं थे फिर उसने उन जेवरों को निकाला कैसे इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया मैंने खुद से कहा आरो बच्चा है वह गलत नहीं कर सकता फिर भी वह जो कुछ करता मुझे उसकी भावनाओं और स्थिति को समझना पड़ता था क्योंकि कभी कभी उसकी मासूमियत और उसकी मदद की इच्छा ही मुझे समझदारी की ओर ले जाती थी आरो ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था जब मैंने अपने मायके वालों से बात की कि मुझे जेवर बेचकर घर खरीदना है तो उन्होंने मुझे साफ कहा तुम अब बेवा हो चुकी हो तुम्हें हमारे घर आना होगा लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं उनके घर जाती तो वहां मैं कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकती थी मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम थे और उन्हें कभी भी अपनी बहन का सहारा देने की फुर्सत नहीं थी मैं नहीं चाहती थी कि अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा दूसरों के सहारे बिताऊं मुझे यह समझ आ गया था कि इस मौके को खोना नहीं चाहिए अगर मैंने जेवर बेचा तो शायद मैं अपनी एक नई शुरुआत कर सकती हूं एक नया घर बना सकती हूं मेरे पति ने मेरी जिंदगी में बहुत से कीमती जेवर दिए थे लेकिन जब मैंने अपने भाइयों की नीयत देखी तो मुझे वह जेवर उनके हाथों में देने का कोई मतलब नहीं दिखा यही सोचकर मैंने तय किया कि अब मैं आरो के सहारे चलूंगी आरो जो एक चौदह साल का बच्चा था उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे न केवल दिलासा देता था बल्कि यह एहसास भी दिलाता था कि वह मेरी जिंदगी को संभाल सकता है आरो तुम चाहे तो ये जेवर बेच सकते हो मैंने कहा आरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के, के उन जेवरों को अपने अंकल को दे दिया दो दिन बाद समीर के हाथों में घर के कागजात और चाबी आई घर का सौदा इतना जल्दी हो गया ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था आमतौर पर घर का इंतकाल कागज़ात और अन्य जरूरी कामों में महीनों लग जाते थे लेकिन आरो ने यह सब इतनी जल्दी और सरलता से किया जब आरो ने वह कागजात मेरे हाथ में रखे तो मुझे एहसास हुआ कि चौदह साल की उम्र में भी उसकी सोच किसी बड़े इंसान जैसी थी उसकी मासूमियत और सादगी के बीच एक गहरी समझ थी जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी फिर उसने एक अजीब सी बात कही भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी है उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे खींचता चला गया मैं जानती थी कि वह छोटा है लेकिन जो कुछ वह कहता था उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी था क्योंकि उसकी सोच कभी कभी मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्पष्ट और समझदार होती थी आरो की आंखों में उस दिन कुछ अलग सा था उसकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों को उबारने में वह असमर्थ था मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है उस वक्त मुझे थोड़ा जल्दी था हम घर में सारा सामान रख चुके थे लेकिन अब मुझे चिंता थी कि हमारा खाना पानी और राशन कहाँ से आएगा मैंने कभी बाहर जाकर काम नहीं किया था और अब यह एक नई चुनौती थी आरो का ऐसा कहना कि वह मुझसे एक जरूरी बात करना चाहता है मुझे असमंजस में डाल रहा था क्या वह मुझसे कोई ऐसी बात करना चाहता था जिसे मैं अभी नहीं जानना चाहती थी इस सवाल ने मेरे दिमाग में कई तरह के ख्यालों को जन्म दिया लेकिन मैं फिलहाल इन सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी शाम को मैंने घर के सभी सामानों को व्यवस्थित किया था हमारे पास बहुत ज्यादा सामान नहीं था बस जरूरी चीजें ही थीं हमारी दौलत भी बहुत सीमित थी और इसलिए हमने जो कुछ भी लिया था वह बड़े जतन से रखा था सब कुछ करने के बाद मैंने अच्छा सा खाना बनाया ये खाना मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया था बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले अपने पति के लिए बनाती थी उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए उनका लाड प्यार जताते हुए आधे घंटे बाद मैंने आरो के लिए टेबल पर खाना रखा और उसका इंतजार करने लगी मुझे नहीं लगता था कि आज वह बाहर जाएगा क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ खाना खाता था रात के दस बज गए थे और समीर अब तक घर नहीं आया था ये मेरे लिए बहुत अजीब था पहले मेरे पति की मृत्यु से पहले वह हर शाम पांच बजे तक घर आ जाता था और फिर घर से बाहर नहीं निकलता था जब हम लोग कभी बाहर जाते तो वह भी हमारे साथ आ जाता था चाहे आइसक्रीम खाने हो या किसी अन्य काम के लिए मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आरो इस समय कहाँ हो सकता है रात के बारह बज चुके थे और आरो घर नहीं आया था मुझे डर लग रहा था क्योंकि वह अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाता था मैंने उसका इंतजार करना शुरू किया और फिर रात के इस अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा कहाँ चले गए थे तुम आरो मैंने कड़क आवाज में पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती मैं तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि बाहर निकल आए आरो की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी वह अपनी जगह पर खड़ा था और मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा था मैं गुस्से में कह रही थी तुम ऐसे कहाँ चले जाते हो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी तुम अपने दोस्तों को यहीं बुला सकते थे उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया उसकी नजरें मुझसे कहीं दूर देख रही थीं और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा भाभी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी आप खुद खाना खा लो मुझे मत टोकिए। वह गुस्से में कमरे की तरफ बढ़ा उसकी चाल में कुछ था जैसे वह कोई बड़ा आदमी हो कोई ऐसा जो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था मैं हैरान थी वह तो सिर्फ चौदह साल का बच्चा था लेकिन उसके गुस्से में बहुत कुछ था मैंने मन में सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है और तभी मैंने उसकी कमरे की तरफ कदम बढ़ाए मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैं सोच में पड़ गई क्या बात है आरो आप मुझसे शादी कर लीजिए उसने अपनी बात कह दी अगर आप नहीं करेंगी तो आप काफिर हो जाएंगी उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अचंभित थी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मैंने कहा तुम मुझे सुबह शाम मां कहते हो फिर यह क्या बोल रहे हो आरो की आंखों में गहरी उदासी थी जैसे उसने यह सोचकर कहा हो कि मैं उसे समझ पाऊंगी लेकिन मुझे इस वक्त बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसकी बातें तो बिल्कुल उलझन में डालने वाली थीं आपके द्वारा भेजे गए स्क्रिप्ट को आरो के नाम और उसकी उम्र चौदह साल के हिसाब से भावनात्मक तरीके से बदल कर दिया है अब क्या हो गया किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है इतनी घटिया बात तुमने अपनी जुबान से निकाली मैं गुस्से से तिलमिला रही थी वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने खड़ा था हाथ बांधे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे समझने का पूरा हक उसे हो उसकी नज़रों से मुझे डर लगने लगा था मैं बोलते बोलते चुप हो गई बिना कुछ कहे मैं वहीं से वापस मुड़ी और कमरे में आकर बैठ गई मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था दिल में डर और गुस्सा दोनों का मिला जुला एहसास हो रहा था मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आरो ऐसा कर सकता है और मुझसे ऐसी बातें करेगा मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था यह तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खामी थी कि मैंने उसकी मासूमियत को इस हद तक माना था मेरी औलाद तो अब तक नहीं हुई थी लेकिन फिर भी आरओ के बारे में मैं हमेशा यही सोचती थी कि वह हमेशा मेरे बच्चों जैसा है मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुमसे ज्यादा उसकी देखभाल और जिम्मेदारी मेरी है लेकिन अब उसकी इस हरकत से मैं चौंक गई थी मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह मेरे लिए ऐसी बातें करेगा मुझे लगा था कि अब मैं इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करूंगी यह घर मेरे नाम था और अगर आरो ने फिर ऐसी कोई गलती की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी इस घर को मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाया था और मैं उसकी इज्जत करने वाली थी लेकिन अगर आरो खुद इस इज्जत को तोड़ता है तो वह इस घर में नहीं रह सकता था मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल चुकी थी सुबह होते ही मैंने आरो के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया फिर मुझे एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए मेरे मन में खलबली मच रही थी मैंने दरवाजा खोला और देखा आरो का कमरा बिल्कुल खाली था कमरे में कोई नहीं था आरो कहाँ गया मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा मैंने सोचा अगर दरवाज़ा बाहर से बंद है तो इसका मतलब है समीर ने मुझे यहां बंद कर दिया है यह ख्याल मेरे मन में आया और फिर मेरे दिल में नफ़रत का एक अजीब सा एहसास हुआ वह चौदह साल का लड़का था और उसकी हरकतें इतनी बेतुकी थीं कि मैं हैरान रह गई मैंने तुरंत यह तय किया कि मुझे मायके जाना चाहिए क्योंकि मुझे घर में अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी इद्दत में हूं इस स्थिति में बार बार घर छोड़ना ठीक नहीं था इस विचार से मैं चुपचाप बैठ गई क्योंकि किसी भी हालात में इस घर को छोड़ने का मेरा मन नहीं था पति के निधन को एक महीना हो चुका था और उस एक महीने में आरो का व्यवहार मेरे लिए एक बड़ी उलझन बन गया था उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी वह मेरी तरह जिंदगी के सच्चे हालात को समझ नहीं पा रहा था अगर मेरे पास अपनी औलाद होती तो मैं शायद इस वक्त आरो के सहारे ना होती मैं सोचने लगी कि काश मेरे पास खुद का बच्चा होता तो मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता अब मैंने ठान लिया था कि आरो जब भी घर आए मैं उसे साफ साफ बताऊंगी कि इस घर में उसका कोई हक नहीं है मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ लूंगी अचानक लगभग शाम के छह बजे के आसपास घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी मैंने सोचा शायद आरो होगा लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के सामने तीन चार अजनबी लोग खड़े थे उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनकी दाढ़ियाओं देखकर मुझे लगा कि वे किसी खास विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं उनका आक्रामक रुख देखकर मेरी धड़कन और तेज़ हो गई उन्होंने जो कहा वह मुझे बुरी तरह से चौंका गया और मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए वह शब्द मेरे लिए केवल हैरान करने वाले नहीं थे बल्कि वे दिल को चीरने वाले थे उनकी बातें मेरे मन में एक गहरी पीड़ा छोड़ गईं उन लोगों ने कहा बीबी तुम अकेले इस घर में रहती हो मैंने कहा जी हां मैं अकेले ही रहती हूं उनका जवाब और भी कठोर था तुम झूठ बोल रही हो ये औरत अपने चौदह साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती है अभी भी कहीं छिपा होगा ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं इन्हें यहां से निकाल देना चाहिए उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई मैंने पूछा क्या किया है हमने और उनका जवाब और भी कठोर था क्या किया है तुमने क्या किया है यह पूछ रही हो तुम अपने चौदह साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति मर चुका है तुम अब बेवा हो तो अपने माँ बाप के घर जाओ अगर यहां रहना है तो शराफत से रहो हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रह सकते उनकी बातें मेरे दिल में चुभ रही थीं पर मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया जब दरवाज़ा बंद किया तो मेरे अंदर एक गहरी नफ़रत और गुस्सा उमड़ रहा था मेरा दिल आरों पर टूट चुका था क्योंकि मुझे यकीन था कि यही सब कुछ उसने ही किया था वह जानता था कि लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे लेकिन उसने फिर भी अपनी हरकतें जारी रखी मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया ये घर ये मोहल्ला सब अब मुझे बोझ लगने लगे थे अब मुझे यहां रहना मुश्किल हो रहा था मैं जानती थी कि आरओ ने मेरी इज्जत से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे मन में बस यही विचार घूम रहे थे कि इस समाज में एक अकेली औरत को किस कदर अकेला और कमजोर समझा जाता है किसी ने भी यह नहीं सोचा कि एक औरत को अपना घर और सम्मान फिर से कैसे हासिल होता है आंसू मेरे चेहरे से बह रहे थे काश मैं खुद को और आरओ को उन लोगों से बचा सकती मुझे अब यह साफ हो चुका था कि समाज में एक अकेली औरत की कोई कीमत नहीं होती लेकिन मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपनी इज्जत की रक्षा करूंगी चाहे जो भी हो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह सबकी इज्जत और सुरक्षा बनाए रखे दोस्तों